वेलकम टू श्रेया चैटर्जी व्लॉग्स। चिकमगलूर से निकल के अभी हम जर्नी कर रहे हैं कूर्ग के लिए। जैसे ही चिकमगलूर से मैं निकली और ये जो व्यू है, हेवनली फील दे रहा है मुझे। जस्ट इस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ से चिकमगलूर से कूर्ग तक हमें लगना चाहिए 4 से 4.5 घंटा। भैया 4 से 4.5 घंटा ही लगेगा ना? 4 से 4.5 घंटा लगना चाहिए। हम लोग रमेश भैया के साथ जर्नी कर रहे हैं। जर्नी बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक लंच ब्रेक लेने वाले हैं। लंच ब्रेक लेने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। हम लोग करीबन 1 आवर बैक चिकमगलूर टाउन क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे हैवी रेन स्टार्ट हो गया है। जब भी ऐसा फॉरेस्ट के बीच में से हम लोग जाते हैं और हैवी रेन होता है, वो नज़ारे सडनली बदल जाता है। बारिश में पहाड़ में घूमने का मज़ा कुछ और ही है। जिन लोगों को ये पता है वो लोग स्पेशली बारिश में ही पहाड़ को विज़िट करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ। मुझे मानसून बहुत पसंद है और मानसून में पहाड़ और ज़्यादा पसंद है। लास्ट मानसून मैं नॉर्थ बंगाल को कंप्लीट एक्सप्लोर कर रही थी। ये मानसून मैं साउथ इंडिया के कर्नाटका स्टेट को एक्सप्लोर कर रही हूँ। अभी वेट कर रही हूँ कुछ अच्छा रेस्टोरेंट के लिए। बहुत भूख लग रहा है। कुछ मस्त जगह मिलते ही लंच ख़त्म कर लेना है। चिकमगलूर से कूर्ग के रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। पूरा फॉरेस्ट रोड है और कुछ भी ढंग का जगह नहीं मिला। भूख बहुत बढ़ गया था। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला है, होटल साई पैलेस। छोटा सा प्लेस है। खाना ऑर्डर दे दिया हूँ। देखते हैं टेस्टी है कि नहीं। जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है तब बहुत कुछ सोचने का नहीं रहता है। आप जब रोड पे हो, जो मिले खा लेना है, पेट भर लेना है, अदरवाइज़ हेल्थ ख़राब हो सकता है। चलिए, हमारा खाना आ गया है। मैं खा रही हूँ वाइट राइस, दाल, सांभर, पिकल, पापड़। श्रीकांत खा रहा है दाल तड़का एंड तंदूरी रोटी। ना, रोटी नहीं खाऊंगी, राइस बस है। मजा आ गया सांबर देख के। थोड़ा सा सांबर राइस पहले खाती हूँ। सॉल्ट, नमक, थैंक यू। सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ट्राई करने वाली हूँ। थोड़ा सा सांभर ले रही हूँ, फिर रसम आया है। एक्चुअली मैंने दाल ही बस ऑर्डर किया था, बट दे आर सो काइंड के मुझे सांभर और रसम ऑफर किए। जगह कैसा भी होने दीजिए, गेस्ट आए तो
उनको जो स्पेशली ट्रीट करना है, हॉस्पिटैलिटी दिखाना है, ये सारे चीज़ें मायने रखते हैं. मैं खुद बहुत अच्छा रसम बनाती हूँ. मैं मिरियालू रसम बनाती हूँ. मिरियालू मतलब ब्लैक पेपर. तो ये स्पेशली तब हमारे घर में बनता है जब किसी को फीवर आता है या सर्दी ज़ुकाम होता है. और ये इतना अच्छा काम करता है, शायद आप लोगों को सुन के बिलीव नहीं होगा, लेकिन वो रेसिपी एक बार मैं दिखाऊंगी. मुझे पता है कुकिंग चैनल नहीं है मेरा, लेकिन मैं फिर भी कभी बनाई तो घर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. कभी फीवर या सर्दी के टाइम पे वो ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा काम करता है. लंच ख़त्म करके हम अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं. लश ग्रीनरी के बीच से गाड़ी जा रहा है. दोनों तरफ कॉफ़ी प्लांटेशन, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है. जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ. बीच बीच में बारिश हो रहा है, बारिश रुक रहा है, तो सब कुछ मिला के क्लाइमेट कुछ और ही बन गया है. हेवनली फीलिंग है. बहुत देर से कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, फाइनली कॉफ़ी के लिए रुक गए हैं. यहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं मिला हमें, ब्रू मिला, तो वही पी रहे हैं. मुझे कुछ पुलोवर या शॉल कुछ ले लेना है मडिकेरी पहुँचते ही, क्योंकि मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया वेदर को. बहुत ठंड लग रहा है और चारों तरफ इतना ग्रीनरी, ठंड और ज़्यादा लग रहा है इतना ग्रीनरी के वजह से. हम लोग जस्ट मडिकेरी रीच हुए हैं. हमारा जो रिसॉर्ट हमने बुक किए हैं वो थोड़ा सा आगे है. बेस्ट पार्ट ये है, जब से कूर्ग में एंटर किए हैं चारों तरफ कंप्लीट फॉग है. मुन्नार के बाद इतना फॉग मुझे यहीं पे मिला. मुझे दार्जिलिंग में भी इतना नहीं मिला था जितना कूर्ग में मिला. ऑसम है, ऑसम लग रहा है. अभी बस एक 15 मिनट है, 15 मिनट में हम अपना रिसॉर्ट पहुंच जाएंगे. सो फाइनली वी हैव रीच्ड कूर्ग. चिकमगलूर से कूर्ग तक जर्नी इतना अमेजिंग था. कंप्लीट ग्रीनरी के बीच से, कॉफ़ी प्लांटेशन, पेपर प्लांटेशन, सब के बीच से हम लोग आ रहे थे और मुझे बस एक ही वर्ड दिमाग में आ रहा था, हेवनली फील हो रहा था. कूर्ग मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ और मेरा बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन था कूर्ग से, तो आधा एक्सपेक्टेशन तो मदिकेरी एंटर करते हुए ही फुलफिल हो गया है. सच में बहुत बहुत अच्छा जर्नी था. जिस रिसॉर्ट में मैं रुकी हुई हूँ, इस रिसॉर्ट का नाम है लाजो कॉफ़ी बिन रिसॉर्ट. बहुत ही ब्यूटिफुल है ये रिसॉर्ट. इतना अच्छा लगा मुझे क्योंकि इससे पहले एक सिमिलर टाइप के रिसॉर्ट में मैं रुकी थी जो था मुन्नार में, आयुरकंठी. तो कहीं ना कहीं वैसे स्टाइल और वैसे पैटर्न में बना हुआ है.
मैं कल सुबह आप लोगों को ये रिसॉर्ट का एक टूर दूंगी, यहाँ पे क्या क्या कैटेगरी के रूम्स हैं वो सब शेयर करूंगी आपके साथ, और इसका टैरिफ क्या है वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि ये कंपैरेटिवली नया रिसॉर्ट बना हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्पेशल है वो ये है कि यहाँ पे रिसॉर्ट के साथ एक वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल है, जिसका साउंड मुझे आ रहा है। मतलब ये वाटरफॉल का साउंड सुनते हुए पूरा रात में स्पेंड करने वाली हूँ। अमेजिंग। लंबा जर्नी के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन बनता है, इसीलिए अभी थोड़े देर के लिए मैं रिलैक्स करूँगी, उसके बाद अपना डिनर कंप्लीट करूँगी। इस वीडियो को कल सुबह मैं कंटिन्यू करूँगी, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना है। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग। कल रात का स्लीप बहुत अच्छा था, लेकिन पूरा रात वाटरफॉल का इतना ज़्यादा साउंड था, इतना ज़्यादा साउंड था। आज सुबह 6 बजे के आसपास मेरा आँख खुल गया था, तो बालकनी में जाने के बाद मैंने जो नज़ारे देखे, वहाँ वाटरफॉल तक हम लोग वॉक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ, और ब्रेकफास्ट के लिए जाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। रुकिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पूरा वॉक करना पड़ेगा इतना हाइट में, बाप रे। मैं रेस्टोरेंट में आ गई हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ से भी जो वाटरफॉल है उसका थोड़ा सा व्यू है। तो आज ब्रेकफास्ट में है डोसा, पोहा एंड सेवई उपमा, उसके साथ कॉफ़ी। मैं अभी जा रही हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रीम है रिसॉर्ट के अंदर ही, वो स्ट्रीम के पास ये वॉकेबल डिस्टेंस है और मुझे देबू गाइड कर रहा है इधर से। ओके, तो देखते हैं कैसा है। इसके साउंड से तो मैं पूरा रात सो नहीं पा रही थी, इतना शोर है, इतना। तो इसका जो साउंड है ये इतना ज़ोर से है, रूम तक पूरा ऐसा लगता है जस्ट मेरे रूम के साइड में ही है। इतना अच्छा फ्लो है, सच में एक रिसॉर्ट के अंदर आपको और वहाँ पे एक वाटरफॉल है, एक स्ट्रीम है, क्या एक्सपीरियंस रहता है।
यहाँ पे है इनका स्विमिंग पूल एरिया। तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे रूम्स कैसे हैं, कॉटेज है यहाँ पे, तो चलिए मैं आप लोगों को कॉटेज दिखाती हूँ। काफ़ी पसंद आया मुझे, क्योंकि मैं एक दिन के लिए आई थी और चार दिन के लिए रुक गई यहाँ पे, काम भी बहुत ज़्यादा था। चलिए कॉटेज देखते हैं। कंप्लीट वुडन फिनिश है, खूबसूरत सा बालकनी है जहां से स्ट्रीम का एक व्यू आता है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का बाथरूम भी दिखा देती हूँ। वार्डरोब एंड सीटिंग एरिया। यहाँ पे और एक फैमिली रूम है जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। नेचर के बीच ये रिसॉर्ट मुझे बहुत पसंद आया। मैं पहले भी बोली थी ये ना, मुझे मुन्नार में मैं एक रिसॉर्ट में रुकी थी, आयुरकंटी। मैं जब भी मुन्नार गई हूँ मैं उसी रिसॉर्ट पे रुकी हूँ। इतना बड़ा रहता है ये, शायद उतना बड़ा नहीं है लेकिन सेम वो फील दिया मुझे ये रिसॉर्ट, मस्त है। और क्लाइमेट तो ऑसम है ही, मॉनसून है, मॉनसून से बेटर क्या हो सकता है कूर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए। ये फैमिली रूम है तीन लोगों के लिए, बहुत बड़ा है। फुल लेंथ मिरर, वॉशरूम एंड प्राइवेट बालकनी। मैं ये रिसॉर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ का मैनेजर का नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोग कूर्ग आ रहे हैं और आप लोगों को मन है लाजो कॉफ़ी बीन रिसॉर्ट में रुकने का, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। बुक करते वक्त डिस्काउंट मांगना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा कूर्ग का कंप्लीट टूर। तो चलिए तब तक स्टे ट्यून्ड।